जी मुझे तो पता ही नहीं था, पर ये तो चौधरी हर्ष कुमार ने और मतलब इतनी बड़ी मतलब कुर्बानी करी है कि बिना ज्वाइन करे ही मतलब आज आपकी मौजूदगी में हुड्डा साहब और उदय भान जी ज्वाइन करा रहे हैं तालियां बजा करके, जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चुनाव नजदीक आ गया है, चुनाव की आहट है, चुनाव की दस्तक बहुत पास से सुनाई पड़ रही है। और जब चुनाव आता है तो सबसे महत्वपूर्ण एक बात हुआ करती है, और महत्वपूर्ण वो ये हुआ करता है कि राजनेता जहां अपने गिले शिकवे भुलाते हैं, लोगों को गिले शिकवे भुला करके अपने नज़दीक लाते हैं, तो फिर जो नेता कार्यकर्ता हुआ करते हैं, यानी कि जो सेकेंड और थर्ड क्लास के लोग कार्यकर्ता होते हैं पार्टियों में, उनको वो आगे ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी की बयार बह रही है, जहां वो जमे हुए हैं वहीं जमे रहें या फिर कोई नया रास्ता ढूंढ लें। और ये राजनीति में कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा हुआ करता है। आपसे सारी बात का जिक्र आज इसलिए कर रहा हूं कि आज पलवल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, और उस कार्यकर्ता के सम्मेलन के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, हालांकि वैसे तो वो कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था, क्योंकि कांग्रेस का जिला संगठन नहीं है, कोई जिलाध्यक्ष है नहीं, और पलवल जिला मुख्यालय है। तो उस कार्यकर्ता सम्मेलन के जो कर्ता धर्ता समझे गए, कर्ता धर्ता जो रहे, वो करण सिंह दलाल रहे। करण सिंह दलाल जो हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट वजीर हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, हुड्डा साहब के रिश्तेदार भी हैं और चुनाव की तैयारी में भी हैं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो आज हुआ, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण दरअसल एक तो ये कारण था कि पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले दिनों हरियाणा के लगभग सभी जिलों में ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए थे, और इन कार्यकर्ता सम्मेलनों का जो मुख्य उद्देश्य था कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाने का, कि लोकसभा चुनाव में जो उन्हें हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के मतदाताओं ने कांग्रेस को जो प्यार दिया, कांग्रेस को जो वोट दिए, कांग्रेस को जो ताकत दी, उसके लिए लोगों का आभार जताना। पार्टी चुनाव जीती या हारी, लेकिन कांग्रेस के लोग दमादम इसलिए हैं, कांग्रेस के लोग बिल्कुल मस्त इसलिए हैं कि उनको पूरे हरियाणा की हर एक लोकसभा सीट पर आशातीत सफलता मिली। अगर चुनाव नहीं भी जीत पाए तो वोट ग्राफ जो है, वोट शेयर काफी बड़ा। अगर हम फरीदाबाद की बात ही कर लें, जो फरीदाबाद लोकसभा का हिस्सा है पलवल, क्योंकि पलवल का आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, अगर फरीदाबाद की बात ही मैं आपसे कर लूं तो आप फिर ये माने कि फरीदाबाद लोकसभा में पिछले लोकसभा चुनाव में, यानी कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कृष्णपाल गुर्जर जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के रहे, आजकल मोदी पार्ट 3 की सरकार में हैट्रिक मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर पिछले चुनाव में लगभग 7.5 लाख, 6.5 लाख और 7.5 लाख के बीच का मार्जन था, वो अब की बार घटकर के रह गया लगभग 1,65,000-70,000 के बीच का, यानी कि 5 लाख से ज्यादा वोट बढ़ गई कांग्रेस की इस चुनाव के अंदर। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पूरे हरियाणा में दमादम है। खैर, अब मैं आपसे बात उस पे आ रहा हूं, मुद्दे पर जो मैं आपसे कह रहा था कि चुनाव के दौरान ये चलता है कि लोग आना जाना, पार्टी छोड़ना, पार्टी बदलना। तो आज जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलवल आए और उनका जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो था, उसका जो स्वरूप था, वो कुछ बदला बदला था। कार्यकर्ताओं का जोश पूरा हाई था, वर्कर्स बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे, ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण सभा का जो सभागार था, वो ब्राह्मण सभा भवन का, वो पूरी तरह से भरा हुआ लबालब दिखाई दे रहा था। और कार्यकर्ता सम्मेलन ऐसा था कि जैसे कोई जनसभा हो रही हो छोटी। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, यानी कि जो वर्कर्स मीटिंग हुई, वर्कर्स मीटिंग के अंदर जो नज़ारे थे, वो एक नज़ारा वो था कि जिसके अंदर हथीन के पूर्व विधायक और हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट वजीर हर्ष कुमार ने आज कांग्रेस ज्वाइन की। हर्ष कुमार ने अपने संबोधन में कहा भी सही कि भाई मैं तो पहले से ही लोकसभा चुनाव में ही बिना ज्वाइन किए कांग्रेसी हो गया था, और ये भी कहा, आभास दिलाया पार्टी आलाकमान को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बैठे हुए थे उनको आभास दिलाया कि मैंने बिना ज्वाइन किए हुए, श्रेय लिया उन्होंने खुद की, कहा कि 52,000 वोट से 51,000 से ज़्यादा से हथीन में जितवा दिया था, अब तो मैंने पार्टी का पटका पहन लिया है, यानी कि ऑथराइज वर्कर हो गए, ऑथराइज नेता हो गए कांग्रेस के, अधिकृत नेता।
और हर्ष कुमार ने इस जो कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके जो रिश्ते थे करण सिंह दलाल के साथ में, उनका भी बाखूबी उनको बताया सब लोगों के बीच में। आप एक बार हर्ष कुमार जी को सुनिए इसमें। मतलब कुर्बानी करी है कि बिना ज्वाइन करे ही मदद की। आज आपकी मौजूदगी में हुड्डा साहब और उदय भान जी ज्वाइन करा रहे हैं तालियां बजा करके, जोरदार तालियों से। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं आनी चाहिए। अब मैं चौधरी हर्ष कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। कहने के लिए तो दलाल साहब ने सारी बात कह दी और पहले मेरे साथियों ने सारी बात कह दी। दो बात है भाई सरदारों, बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जेजेपी छोड़ के, लोक दल छोड़ के, कांग्रेस में मंच पर मैं भी उनमें से ही हूं। हम सब कभी कांग्रेसी थे, बीच में कारण थे, कोई बात थी, छोड़ के चले गए, फिर आ गए। अगर जन्मजात कांग्रेसी आज हरियाणा में अगर कोई है तो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा है, जिनकी तीन पीढ़ियां कांग्रेस में रही हैं। बाकी तो हम भाई अलग अलग प्लेटफार्म से कभी काई गाड़ी में चढ़ गए, कभी किसी गाड़ी में चढ़ गए, कभी फिर जौन सी मिल गई वहां में चढ़ गए। दूसरी बात, और इस एकता से हम हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना के दम लेंगे, बीच में हम कहीं सस्ताएंगे भी नहीं। और मेरा हुड्डा साहब से भी निवेदन है कि जब हम दोनों अलग थे, जब हमारे एक एक हाथ था, आज हम दोनों एक हैं, हमारे चार हाथ हैं, चारों हाथों ने कहीं बेल देना, जहां पे कमजोरी लगे वहां से हम आपको आगे निकाल कर लाएंगे, ये भी हमारा दोनों का वादा है। उदय भान जी बैठे हैं, आज इन्होंने मुझे दोनों भावी मुख्य हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने पटका पहनाया, तो हिसाब लगा लो भाई, मैं तो कांग्रेस में तो इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में ही आ गया, और जब मैंने बिना पटका पहने के जितना काम किया, इस पटका पहनने के बाद तो मैं चार गुना जान लगा दूंगा। तो हर्ष कुमार ने एक तो जो मैंने आपको बता दिया कि हथीन में जो बड़ी जीत हुई उसके बारे में कहा कि भाई मैं तो आपकी इस जीत में पहले से साथ हो गया था, दूसरा उन्होंने अपने रिश्ते नाते और वो सबको उजागर किया। अब उसमें मुख्य बात ये थी जो मैं आपसे कह रहा था कि हर्ष कुमार तो बड़े नेता हो गए, और मैंने आपसे कहा कि कई लोग जो नेता कार्यकर्ता होते हैं वो देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो आज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यक्रम हुआ उसके बाद में आप मानो तो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल, लोकदल का मतलब जेजेपी और INLD दोनों, इन दोनों के बहुत सारे नेता कार्यकर्ताओं ने आज खुद को कांग्रेस में ही कर लिया। करण सिंह दलाल की शान में कसीदे पड़े और वो कांग्रेस में शामिल हुए। उन तमाम लोगों ने कहा कि भाई किसी ने अपनी पार्टी के संगठन की कमियां या खूबियां बताई या नहीं बताई, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे, जो उनके चेहरे बता रहे थे कि जो कुछ रह गया था या जो कमियां थी वो अब यहां करके वो पूरी करेंगे। आप माने तो जो पिछले दो एक दशक से चल रहा था राजनीति के अंदर, चाहे वो हरियाणा की और चाहे वो देश की, वो राजनीति में ये चल रहा था और सभी लोग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में ही हो गई, यानी कि कांग्रेस के नेता भाजपा में गए और उन्होंने भाजपा को ताकत दे दी। अब आज जो लोग शामिल हुए तो उससे एक बात कही जाने लगी कि पलवल के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल और JJP यानी कि लोकदल के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जब कांग्रेस के अंदर ज्वाइन हुए तो इनसे हम कह सकते हैं कि अब ये सब कुछ करणमयी हो गया, यानी कि कांग्रेस में चले गए और करण सिंह दलाल में आस्था प्रकट की। जिन लोगों ने ज्वाइन किया पार्टी को, मैं आपको नाम बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे जो इससे पहले यानी कि भाजपा के कार्यक्रमों में देखे जाते थे, या 2019 के चुनाव में, 2019 का चुनाव जो दीपक मंगला का झंडा बुलंद किए हुए थे, उन नामों के अंदर आप देखें तो उन नामों में जो प्रमुख नाम थे, नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन कंवर रमेश कुमार शामिल हुए। कंवर रमेश कुमार पहले कभी इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे, विधानसभा चुनाव में दीपक मंगला के साथ लगे रहे थे और अब उन्होंने करण सिंह दलाल का झंडा थाम लिया।
वैसे कंवर रमेश कुमार करण सिंह दलाल के सहयोग से पलवल नगर परिषद के वाइस चेयरमैन और कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं 2009 से 14 के बीच का जो दौर था, लेकिन उसके बाद में कंवर रमेश कुमार दीपक मंगला के साथ चले गए थे, भाजपा में ही हो गए थे। देवीचरण मंगला भी शामिल हुए आज। देवीचरण मंगला पलवल चीनी मिल के वाइस चेयरमैन हैं। देवीचरण मंगला भी पिछले काफ़ी समय तक दीपक मंगला के साथ रहे और अब उन्होंने दीपक मंगला को टाटा बाय बाय बोल करके और करण सिंह दलाल का दामन थाम लिया। उनके बेटे आशीष नंबरदार के तो कई मैंने पोस्टर भी वायरल देखे थे, आपको भी दिखा देते हैं। उन्होंने जो कहा था कि पलवल का दौर बदल रहा है, अगर उसके बाद देखें तो जिन लोगों ने शामिल हुए जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध थे उनमें होटल कारोबारी नरेश गांधी वो भी शामिल हो गए। और नरेश गांधी बड़े गजब के कार्यकर्ता माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों तक, लेकिन अब उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा और उन्होंने करण सिंह दलाल का दामन पकड़ लिया। उनके साथ में टिम्बर कारोबारी चंद्र प्रकाश भी शामिल हो गए, वो भी माने जाते थे बीजेपी के बहुत नज़दीकी लोगों में शामिल थे। आपको एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नज़दीक माने जाते हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, और वो महाराज जी के भी बड़े नज़दीक माने जाते थे गांधी जी। खैर मैं इसमें आस्था और धर्म में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कनेक्शन तो वो वाला भी है और उन्होंने आज करणमयी हो गए यानी कि करण सिंह दलाल के साथ चले गए। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद भी गए, एक जिनके मैं नाम देख रहा था 5-6 पार्षद भी उसके अंदर हैं, जितेंद्र पार्षद हैं उसके अंदर वो शामिल हुए, इसके साथ साथ एक बॉबी पार्षद हैं वो शामिल हुए। हालांकि बॉबी तो करण सिंह दलाल समर्थक ही रहे हैं पहले से भी, जरूर वो उन्होंने शायद सत्ता का लाभ लेने के लिए वो गए होंगे भाजपा में, लेकिन अब फिर वो अभी वापस आ गए। इसके साथ साथ और भी कई नाम इसके अंदर थे जिन्होंने, किशन सिंह का नाम एक आ सकता है पार्षद है वो भी शामिल हो गए, तो बहुत सारे ये पार्षद भी शामिल हुए। अब बात ये आ जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग शामिल हुए इनके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या इनको भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़गी हुई? क्या उनको कोई दीपक मंगला से नाराज़गी हुई? क्या उनको नेतृत्व समझ नहीं आ रहा था? क्या उनको जो भी लगा हो, या उनको ये लग रहा था कैंटीन गंबेंसी है, कुछ बदलाव हो सकते हैं? लेकिन ये ज़रूर है कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जाने से जहाँ करण सिंह दलाल को मजबूती मिलेगी वहीं राजनीतिक हवा तो ज़रूर ख़राब होती है। अब जो लोग लोकदल के लोग थे, जिन लोगों में शामिल हुए लोकदल के जो, और जो लोकदल के लोग शामिल हुए दोस्तों, मैं बता दूं कि लोकदल के कभी वो कट्टर समर्थक कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं। जो ये मैंने आपको नाम भारतीय जनता पार्टी वाले गिनवाए, ये लोग तो सभी वो लोग थे जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी करण सिंह दलाल के नज़दीकियों में शामिल रह चुके हैं, उनके साथ रहे हैं। दलाल को छोड़ करके मंगला पे गए थे, यानी कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी पे गए थे, बीजेपी से वापस करण सिंह दलाल। लेकिन जो अब लोकदल वाले नाम मैं आपको बता रहा हूँ, महावीर डागर धतीर गांव से आते हैं और वो भी अपना ब्लॉक समिति के मेंबर भी रहे हैं। महावीर डागर ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी बाद में इनके पक्के सिपाही माने जाते थे। महावीर डागर भी शामिल हो गए। आज उन्होंने कहा कि हमने जो जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल में 40 साल तक रह करके जैसे काम किया, अब उनको छोड़ के आए हैं और यहाँ पार्टी की सेवा करेंगे। इन नेताओं में जो दूसरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो है खेमचंद कुंडू, आजकल जननायक जनता पार्टी के पलवल के अध्यक्ष हुआ करते थे पिछले दिनों तक, और अब तक भी थे, अभी उन्होंने पार्टी छोड़ी है और पार्टी छोड़ करके शामिल हुए आज वो कांग्रेस में। और खेमचंद कुंडू भी भोडेरपाल का गांव है, अली का गारे का, उस गांव से आते हैं, चीनी मिल के अंदर कार्यरत थे खेमचंद कुंडू। जिला परिषद का एक बार उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार में किसी ने चुनाव लड़ा था और वोट भी ठीक ठाक लिए, तो खेमचंद कुंडू भी गए। एक और नाम था इसके अंदर प्रमुख नाम, भूपेंद्र चंद चौधरी। भूपेंद्र चौधरी भी अपना एक अलग वजूद रखते हैं, चौधरी महावीर सिंह के बेटे हैं, कभी इंडियन नेशनल लोकदल के ब्लॉक के प्रेसिडेंट हुआ करते थे 2009-10 के दौर में, वो दौर जब इंडियन नेशनल लोकदल का सुहाना दौर था 9-10 के बाद में और 14-15 तक, उस दौर में वो ब्लॉक के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और वो भी चले गए पार्टी छोड़ करके। सहदेव नंगला उनका गाँव है। और भी काफ़ी सारे नेता इसके अंदर देखे गए जिन्होंने कि अपनी मूल पार्टियां छोड़ करके और कांग्रेस का दामन थामा। तो इस सबके बाद में एक संदेश जाता है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि चुनाव के दौरान खासकर ये चलता है, लेकिन नज़रें ज़रूर जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग गए
अब उनको वर्तमान नेतृत्व से कोई परेशानी थी, उनको लगता है कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है वो कुछ लगा, या उनको लगा कि आगे कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है ये कुछ लगा, मतलब जो भी हुआ। और दूसरी तरफ जो इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी यानी कि चौधरी देवीलाल की लोकदल समर्थक जो लोग थे, ये सभी लोग करण सिंह दलाल के कट्टर विरोधियों में शामिल रहे हैं। कभी मैं आपसे इसलिए कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जाने वाले, मैंने आपको नाम गिनवाए, कुछ हो सकता है हमसे रह भी गए हों, वो लोग कभी कहीं करण सिंह दलाल के साथ भी रहे थे पहले, लेकिन अब जो लोकदल वाले जो लोग गए वो कभी करण सिंह दलाल के कट्टर विरोधियों में शामिल हुआ करते थे। और इस सब के बाद में आप ये तो मान लें कि पलवल के अंदर एक संदेश तो जरूर चला गया, और ये संदेश केवल पलवल नहीं, मैं आपको बताऊं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आप फेसबुक पेज देख लीजिए, उनकी फेसबुक वॉल देख लीजिए तो आपको रोज दिखता है कि लोग नए नए लोग पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, लोग नए नए लोग आ रहे हैं और वो सदस्यता ले रहे हैं कांग्रेस की, जो एक संदेश देने के लिए काफ़ी है कि लोगों को ऐसा कुछ लगने लगा है, कुछ आभास होने लगा है। तो आज का जो आयोजन था खासकर कांग्रेस का, जो उसने करण सिंह दलाल को जितनी एनर्जी दी जब पलवल के लोग उनके साथ शामिल हुए, हर्ष कुमार शामिल हुए आज कांग्रेस के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन का कारण बन सकता है चौधरी इसराइल के लिए हथीन में, लेकिन फील गुड चौधरी उदय भान के लिए सब कुछ हुआ आज, क्योंकि उनके नेतृत्व में पलवल जिले के अंदर पार्टी मजबूत हुई, बड़ी संख्या में लोग गए, चौधरी हर्ष कुमार आए, तो उसका एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर चौधरी उदय भान को। और उनके आने से यानी कि जो और तमाम नेता कार्यकर्ता आए, तो उससे एक संदेश चला गया कि चौधरी उदय भान का नेतृत्व पलवल जिले की जनता को काफ़ी रास आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि जो ये एंट्रीज हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लोग छोड़ रहे हैं गए आज जो, खासकर पलवल जिले में, इसका क्या असर पड़ेगा? पलवल विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों का जाना, बीजेपी के लोगों का, बीजेपी समर्थक लोगों का, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बनेगा? और आपको क्या लगता है कि पलवल जिले के अंदर जो 3 विधानसभा सीटें हैं, जो पिछले चुनाव के अंदर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, अब यहां पर क्या परिदृश्य रहेगा राजनीतिक पलवल जिले का? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।